राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, सुबह हो चुकी है और थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं थोड़ा सा काम करने भी लग गई हूँ। और काम मेनली क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा कार्टन वगैरह इकट्ठा हो गए थे उनको मैं चलाने का काम कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो फट जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। और थोड़े से क्योंकि मौसम ऐसा है ना, थोड़ा सा भी अगर उनमें पानी पड़ गया तो वो पूरे तरीके से ख़राब से हो जाते हैं। तो उन्हीं को मैंने सोचा कि, और कुछ गार्डन में पत्ते वगैरह भी हो जाते हैं सूखे सूखे से, तो मतलब कोशिश करती हूँ कि बारिश में वो भीगे उससे पहले मैं उसे जला दूँ। तो बस वही कर रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा गार्डन भी क्लीन हो जाता है और देखने में थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। तो वही काम मैं सुबह टाइम कर ले रही हूँ क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे काम रहते हैं, तो सोचा कि ये वाला काम पहले ही कर लूँ। और मौसम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बारिश वाला माहौल बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब ये हवा अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी। और देख सकते हैं आप लोग, मेरे कपड़े वगैरह जो है वो रात में ही लोड कर दिए थे, तो सुबह मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, बस उन्हें सुखाने का काम था। जो कि मैंने उनको क्या किया, बाहर सुखा दिया, कम से कम हवा लगेगी। और ये देखिए, मतलब मैंने जला दिया पूरा कार्टन। और ये देखिए, इधर चाय बन रही है और साथ में मैंने विंडो खोल रखी है, बाहर से मतलब हरियाली दिख रही है और इधर मेरी चाय भी बनती जा रही है। चाय बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, तो इसे मैं कप में छान लूँगी और फटाफट से चाय पी लूँगी क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा चाय, अदरक वाली चाय तो चाहिए ही रहती है थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए। तो ये देखिए, चाय बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, साथ ही सुबह दूध भी आ गया था तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया। और बस अब कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर दे रही हूँ। तो इधर कुकर है, कुकर में मैंने चढ़ा दी है दाल, तो एक तरफ दाल पकना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। और कढ़ाई में मैंने परी सबसे पहले तल के निकाल लिया है क्योंकि मैं मतलब परी से ही कुछ आइटम बनाने वाली हूँ। आप लोग बनी रहिए वीडियो पे और देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने ले लिया है प्याज और मिर्च, लहसुन नहीं थी इसलिए मैंने प्याज और मिर्च बस काटा है, बाकी लहसुन तो फ़ौरन में चाहिए रहती है थोड़ा अच्छे टेस्ट के लिए, पर कभी नहीं हो तो उसके बिना भी काम कर लेना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद ये जो दाल पक के तैयार हो गई है, तो मैंने सोचा इसे अलग बर्तन में पलट लूँ क्योंकि जब थोड़ा टाइम तक कुकर में दाल रखी रह जाती है ना तो बिल्कुल जम सी जाती है नीचे, तो थोड़ा सा क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ा सा जब मतलब तुरंत पके, तुरंत मतलब प्रेशर निकल जाए दाल का, तो उस टाइम पे आप उसे अलग बर्तन में निकाल लो तो वो अच्छा रहता है। तो ये देखिए, मैंने एक अलग पतीले में निकाल लिया है और बस अब एक तरफ चावल चढ़ा लूँगी। तो चावल मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि सबको सर्दी जुकाम हो रखा है, तो बस केवल दो कप चावल मतलब सफिशियंट रहेगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, किसी का मन नहीं भी हो तो ठीक है, ज़्यादा बचेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ही चावल बना रही हूँ। तो ये कुकर में मैंने चावल निकाल लिया था, मैं उसे जाकर धो ले रही हूँ नल में, और इसके बाद धोने के बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। और क्योंकि एक साथ दो दो काम चल रहे हैं, तो देखिए उधर भी मैं जीरा राई ये सब डाल दे रही हूँ तेल में, और जब ये चिटकने लगेगा तब मैं उसमें मिर्च और जो मैंने प्याज कट करके रखे हुए जो अभी आपको दिखाए थे तो वो डालूंगी। तो ये देखिए, तेल में जो जीरा और राई है वो चिटकने लगा है। ये मैंने डाल दी थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग आप डाल देते हो तो अच्छा रहता है, तो ये मैंने हींग भी डाल दिया। और इसके बाद मैंने इसमें सारी चीज़ें जो रखी हुई थी कट करके वो मिला दी। उसके बाद मैंने उसमें हल्दी डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी, और क्योंकि साथ में दूसरा काम भी चल रहा है उधर में चावल, जब तक ये मतलब पक रहा है ना तब तक भी कुछ कर लेना चाहिए, तो मैं जो चावल रखा हुआ है ना उसे धो लेती हूँ। तो इतना होने के बाद चावल धुल चुका है और बस मैंने गैस ऑन कर दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया, और तो इधर चावल भी बनता रहेगा और दूसरी तरफ भी जो काम है वो चलता रहेगा। तो अभी लास्ट आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें प्याज डाल दिया था, और अब मैं इसमें आलू काट के डाल दे रही हूँ। आलू जो है थोड़ा सा डालूंगी, मतलब आलू
ज़्यादा नहीं, मतलब 3-4 आलू 5 आलू ऐसे ही आपको यूज़ करने, बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालना है क्योंकि इसमें फिर आपको मतलब और भी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। देखिए अभी सरप्राइज़ बना हुआ है, तो देखिए अब आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे क्या बनने वाला है। कढ़ी लगा रही हूँ मैं, तो ये देखिए इधर मैंने सारी चीज़ पका ली थी अच्छे से, और उसमें मैंने मट्ठा लिया। मट्ठा ठीक था, मतलब ज़्यादा खट्टा भी नहीं था, ठीक था, मतलब खाने लायक था मौसम के हिसाब से। तो उसमें मैंने बेसन डाल के उसे अच्छे तरीके से चला लिया था, और उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। तो बस वहाँ पे कढ़ी बन के तैयार हो गई। और बस इसके बाद ये देखिए सलोनी भी आज मैंने बनाने का सोचा था, तो सलोनी देखिए थोड़ा मतलब जो उसका आटा था ना वो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो उसका थोड़ा लुक अच्छा नहीं आया, देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट टेस्ट अच्छा था। और दो चीज़ें तो तैयार हो चुकी हैं, दाल तो क्या 3 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, दाल कढ़ी चावल, और इसके बाद मैं थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, तो उसके लिए भी वही फ़ोरन डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, और जब प्याज थोड़ी सी लाल होने लगेगी तो उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ, तो इसे मैं अच्छे तरीके से चला लूँगी। देख सकते हैं आप सभी लोग ये कितना अच्छा सा दिख रहा है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू, आलू डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे तरीके से चला लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से चला लिया है। उसके बाद ये मार्केट से जो परवल लिए थे इसको मतलब एकदम छोटा छोटा पतला पतला काटा था, वो भी मैंने उसमें डाल दिया। तो परवल आलू परवल की सब्जी है जो कि तैयार हो गई, तो ये आज का पूरा खाना था। उसके बाद मैं आ गई बाहर, और जो कपड़े वगैरह सुखाने थे वो सुखाने लग गई, क्योंकि कपड़े भी मतलब एक लगातार सूख जाए तो ठीक रहेगा। मतलब सुबह मौसम गड़बड़ था, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया, बहुत ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी एकदम ज़रा ज़रा सी धूप आ रही थी, तो उसमें हो गया, कपड़े कुछ तो सूख ही जाते हैं। सुबह कुछ कपड़े डाले थे लेकिन बाद में मैंने और भी धो लिए और फिर उनको भी डाल दिया। मतलब मौसम पे रहता है, मौसम अगर मतलब थोड़ा ठीक लगता है तो फिर लगता है कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत और काम किए जा सकते हैं। तो मैंने बाद में फिर थोड़ा सा और कपड़ा धो लिया था, और थोड़े थोड़े कपड़े ला करके मैं डालती जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने ही पास में रख लिए थे, बस मैं ला करके डालती जा रही थी और फैला के जिससे उसमें बहुत अच्छे से धूप लग जाए। और इधर आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे वो भी साइकिल प्रैक्टिस कर रही है, कि मतलब साथ साथ में मम्मा का काम भी हो जाएगा और वो भी अपना खेल लेगी। तो बच्चों को बस बाहर निकलने का मौका चाहिए रहता है, जैसे ही कोई बाहर निकला तो वो बस पीछे पीछे से निकल आते हैं। और ये देखिए सारे कपड़ों को मैं सुखा दे रही हूँ, और इसके बाद काफ़ी सारे काम और भी बचे हुए हैं अंदर, तो उनको भी मैं एक एक करके ख़त्म कर लूँगी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे असल में, बारिश में क्या होता है ना, जैसे कभी एक दिन आप लोड नहीं कर पाते हो कपड़े ख़राब मौसम देख के, तो फिर आपको अगले दिन के लिए जस्ट डबल कपड़े हो जाते हैं, और बच्चों वाले घर में कपड़े थोड़ा डबल हो भी जाते हैं। इसके बाद ये किराने में कुछ कुछ चीज़ें थी तो उनको मैंने रखा नहीं था, बाद के लिए सोच लिया था। तो ये देखिए मसाले वगैरह मैंने मसाले के डब्बे में डाल दिए, और इधर देखिए पूरा खाना वगैरह जो है वो पूरा रेडी है। और थोड़ी सी और एक सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ख़राब हो रही है तो बना देती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी जो भिंडी रखी हुई थी उसको भी बना लिया। तो पूरा दिन तो ऐसे ही काम करते बीत गया। उसके बाद ये रात का है, पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं क्लीनिंग का काम करने का सोच रही हूँ, क्योंकि रात में एक बार पूरा क्लीन कर दो तो अच्छा रहता है, सुबह आप जब आओ तो आपको पूरा साफ़ सुथरा किचन मिलता है, तो इसीलिए मैं पूरा किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा सोप लगा देती हूँ जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए, और क्या होता है ना कि मतलब कपड़े बस से साफ़ करो तो उतना प्रॉपर साफ़ नहीं होता है,
इस एक तरफ जो छोटे छोटे बर्तन रहते हैं वो मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, जैसे जिन चीज़ों की बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़नी हो, तो जैसे ये बेलन हो गया, चिमटा हो गया, चौकी हो गई, ये सारी चीज़ें, और ये दूध के बॉटल वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, तो ये सब सारी चीज़ें को तो बॉयल करना पड़ता है गर्म पानी से, तो ये सारा काम भी रहता है। ये छोटे छोटे काम दिखते हैं बट ये मतलब आपके कंप्लीट रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय।